इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि बता दो सासाराम में मोरसराय गांव में भाई ने भाई को गोली मार दी है। सतेंद्र शाह की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आपसी रंजिश के वजह से भाई ने भाई की गोली मार दी है। जो इनकी पारिवारिक कुछ कलह चल रही थी, जमीन को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर आपस में विवाद था। ये घटना है सासाराम के मोरसराय गांव से निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका इलाज सासाराम के स्थानीय अस्पताल में हो रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि उपेंद्र शाह ने गोली मारी है। उनकी वाइफ राधिका देवी ने मिलकर सतेंद्र शाह की गोली मार दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है सासाराम से। जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कल ही की घटना है कि सासाराम में गैस एजेंसी में काम करने वाला स्टाफ 3,26,000 लेकर लूट लिया गया। फिर भी बूढ़ा बूढ़ी संग मारा मारी कर रहा। वे सब चारों भाई मिल के बोलन जा काहे बूढ़ा बूढ़ी के मारते रोड पर छेक के मारत रहा है। की मारत रहा है? उपेंद्र शाह, उनकर पत्नी राधिका देवी, एक उनकर बेटा प्रिंस, वो बूढ़ा बूढ़ी के मारे भी। आज उन से सब भाई चारों भाई मिल के आयलन जा बोलन जा कि काहे मर गए तू रोड पर छेक के। रोड पर छे के तू काहे मर दे, तो वही के लेके मतलब आज एक महीना के बाद आज शाम को आकर हमारे भसुर है श्री राम साहब किराना दुकान है, वही तो उसी दुकान पर बैठे थे, अचानक में आया और बंदूक छोड़ दिया। जो घायल है उनका नाम क्या है? उपेंद्र शाह। जो घायल है, जो हमारे पति है सत्येंद्र शाह। आपका नाम क्या है?